वेलकम टू ईडुनिया नॉलेज चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि जो चंद्रयान 3 है, अभी मून पे तो लैंड कर गया है, लेकिन इस चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने में जो तमिल के मिट्टी का क्या बहुत न्यूज आ रहा है कि क्या कनेक्शन है तमिल मिट्टी का, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो चंद्रयान 3 है वो इसका जो सक्सेसफुल लैंडिंग है, इसकी वजह से इंडिया जो है इट हैज बिकम फर्स्ट नेशन टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून, यानी कि साउथ पोल के पास पहुंचने वाला पहला कंट्री बन गया है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के स्पेस पावर को बढ़ा दिया है ग्लोबल लेवल पे। अब हम जानते हैं कि ये जो तमिलनाडु का चेन्नई के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है नमक्कल डिस्ट्रिक्ट। नमक्कल डिस्ट्रिक्ट से काफी टन्स में मिट्टी सप्लाई किया गया था इसरो को इसके रिसर्च करने के लिए। और क्यों किया गया था? ऐसा माना जाता है कि जो इस डिस्ट्रिक्ट का मिट्टी है वो चंद्रमा के मिट्टी से मिलता जुलता है, तो इसकी वजह से जो रिसर्च कंडक्ट करना या कोई लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना कि अगर उस मिट्टी पे ऐसा रिस्पांस आ रहा है तो हो सकता है कि मून की मिट्टी का भी सिमिलर टाइप ऑफ रिस्पांस हो। तो इसीलिए चंद्रयान मिशन की कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए इस मिट्टी या नमक्कल डिस्ट्रिक्ट के मिट्टी को सप्लाई किया गया और जिसपे इसरो ने रिसर्च करके फाइनली चंद्रयान मिशन के सक्सेसफुल लॉन्चिंग कर पाया है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों तमिलनाडु इतना ज्यादा न्यूज में है। और दूसरा एक रीजन बोल रहे हैं कि तमिलनाडु की मिट्टी का एक कनेक्शन है कि मेजोरिटी ऑफ जो साइंटिस्ट होते हैं वो साउथ इंडियन होते हैं, तो उस तरह का भी लिंक लगाया जा रहा है। लेकिन जो मेजर है तमिल सॉइल का रोल वो ये है नमक्कल डिस्ट्रिक्ट से आए हुए सॉइल जो 2012 से सप्लाई कर रहा है, जिससे कि चंद्रयान मिशन की टेस्टिंग सक्सेसफुली हो पाए। अब वही बात है कि जो मतलब सॉइल है वो लूनर के सॉइल से मिलता जुलता है, यानी कि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है नेचर है, और ये सदर्न पोल के जो सॉइल है उससे मिलता जुलता है, इसीलिए एक्सपेरिमेंट करना और काफी सक्सेसफुल हो पाए हैं। इस तरह के जो टाइप ऑफ सॉइल जो मिल रहा है उसको बोलते हैं एनोर्थोसाइट। एनोर्थोसाइट ऑफ एक टाइप ऑफ सॉइल है जो टाइप ऑफ सॉइल है जो आपने तीन तरह के सॉइल्स में होंगे, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो जो इग्नियस, ये जो एनोर्थोसाइट सॉइल है वो इग्नियस टाइप ऑफ सॉइल है। और ये कैसे बनता है, जैसे कि मान लो ये अर्थ सरफेस है तो दो तरह के इग्नियस सॉइल होते हैं, एक जो सरफेस के ऊपर यानी कि एक्सट्रूसिव होते हैं, सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं या फॉर्म होते हैं। दूसरा इग्नियस टाइप ऑफ जो सॉइल होता है वो अर्थ के सरफेस के नीचे ही फॉर्म होता है, यानी इंटरनल पार्ट में होता है, उसको इंट्रूसिव इग्नियस सॉइल बोलते हैं। और जो एनोर्थोसाइट है वो इंट्रूसिव इग्नियस टाइप ऑफ सॉइल है जिसका जिसपे एक्सपेरिमेंट करके चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल हम लॉन्च कर पाए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स।